एट फर्स्ट हम लोग एक IRFZ 44N का एक मॉसफेट लेंगे। यहाँ पे देखिए तीन पैर है, तीन पैरों का अलग अलग नाम है। और ये रहा 10K का एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका भी तीन पैर है। तो ये एक वॉल्यूम सिस्टम है। इन दोनों कंपोनेंट से हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे। तो पहले हम लोग मॉसफेट का तीन पैरों का नाम हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं इस पर लगाने से तीन पैरों का नाम अलग अलग से दिखा देगा। तो जब भी इसमें प्रेस करेंगे तो टेस्टिंग हो रहा है। तो टेस्टिंग होने के बाद देखिए मॉसफेट का एक नंबर गेट दिखा रहा है और दो नंबर ड्रेन दिखा रहा है और तीन नंबर सोर्स दिखा रहा है। तो हम लोगों को पता चल गया है ये एनी मॉसफेट है। तो हम लोगों को इस मॉसफेट का पैरों का नाम पता चल गया है। तो ये जो एक नंबर है ये वाला एक नंबर है। तो एक नंबर हम लोग गेट है, दो नंबर ड्रेन और तीन नंबर सोर्स है। तो अभी हम लोग इसको फिट करेंगे। तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसका जो 10K का जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको हम लोग अभी सेट कर देते हैं। और इस मॉसफेट को भी हम लोग पैरों को अलग करके दो दिशा में दो पैर हम लोग कर देते हैं, जो कि गेट को एक तरफ और सोर्स को एक तरफ और ड्रेन मिडियल पे रहेगा। तो हम लोग इसको अभी फिट करेंगे। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो मिडियल का पैर है इस पर हम लोग जो मॉसफेट का इसका गेट को हम लोग लगा देंगे। तो सोल्डरिंग करने के बाद अभी देखिए ये सोल्डरिंग हो गया है। तो हम लोग जो नेगेटिव है, नेगेटिव हम लोग 10K का जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसका ऊपर की तरफ हम लोग लगा देंगे, या फिर नीचे की तरफ भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पॉजिटिव को हम लोग ड्रेन और पोटेंटोमीटर का तीन नंबर पैर पे लगा देंगे। तो ठीक तरीके से लगाने के बाद ये अभी कंप्लीट हो गया करीबन। ये तो हो गया इनपुट, अभी हम लोग आउटपुट का ग्राउंड निकालेंगे। तो ग्राउंड तो हमेशा एक ही रहते हैं किसी भी सर्किट पर। तो ग्राउंड को ग्राउंड पे हम लोग लगा देते हैं, मतलब नेगेटिव को हम लोग एक ही नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये हो गया है, अभी हम लोग पॉजिटिव का आउटपुट निकालेंगे। तो पॉजिटिव का आउटपुट हम लोग कहाँ से निकालेंगे, मॉसफेट का सोर्स के पैरों से हम लोग आउटपुट निकालेंगे। बहुत ही ईजी है ये सर्किट। तो बस हो गया है हमारा, कंप्लीट हो गया है ये सर्किट। अभी देखिए ये रहा इनपुट का वायर और ये रहा सर्किट, उसके बाद आउटपुट का वायर, बस यही है ये सर्किट। इस सर्किट का एक तरफ इनपुट है और दूसरी तरफ आउटपुट है। तो अभी इस सर्किट को हम लोग डेमो दिखाएंगे। तो पहले हम लोग इसको वोल्टेज माप लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया है, देखिए इनपुट हमने दे दिया है और यहाँ पे सर्किट है और यहाँ से हम लोग आउटपुट का वोल्टेज देखेंगे कितना वोल्टेज इसमें आ रहा है। तो हम लोग इस पर इनपुट देंगे करीबन 6-7 वोल्ट दे देंगे। तो अभी दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमने पावर दे दिया है। तो अभी कुछ वोल्टेज इसमें दिखा रहा है और अभी पोटेंटोमीटर का जो वॉल्यूम है उसको घुमाएंगे तो इसका वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो अभी देखिए घुमाने के बाद ये वोल्टेज आप हो रहा है, धीरे धीरे आप कर सकते हैं, किसी भी वोल्टेज पर आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए मैं इसको फिर से घुमा रहा हूँ तो वोल्टेज ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अभी ये फुल हमने दे दिया है, इसका वोल्टेज फुल हो गया है। तो जितना इनपुट दे दिया है हमने उसका आउटपुट निकाल रहे हैं। आप इस पर हाईएस्ट 12 वोल्ट दे सकते हैं। तो 12 वोल्ट को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। एक्चुअली मॉसफेट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कितने वोल्टेज आप इस पर इनपुट करेंगे। तो अभी देखिए एक हमने मोटर लगा दिया है और इनपुट और आउटपुट पर मोटर लगा दिया, तो इनपुट पे हमने वोल्टेज दे दिया है। तो जब भी पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे तो ये मोटर धीरे धीरे से स्टार्ट होगा। अभी देखिए लो वोल्टेज पे ये घूम रहा है, तो जब भी इसको हाई वोल्टेज देंगे तो धीरे धीरे घुमा रहा है और इसका स्पीड बढ़ गया है। तो इस प्रकार से आप लोग दो कंपोनेंट से एडजस्टेबल पावर सप्लाई बना सकते हैं बहुत ही ईजी से। अगर आप लोगों को इसके बारे में और भी डिटेल्स जानना है तो नीचे कॉमेंट्स पर आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, तो मैं आपका आंसर दे दूंगा। एक्चुअली मैं सभी का आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मेरा भी दूसरे काम है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं किसी किसी का आंसर दे दूंगा। तो आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।